फाजिल्का पुलिस द्वारा शहर की बढ़ती ट्रैफिक समस्या को देखते हुए फाजिल्का के गौशाला रोड पर ऑड इवन फार्मूले की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत सभी व्हीकल एक दिन सड़क के किनारे पार्क किए जाएंगे और दूसरे दिन दूसरी तरफ सभी व्हीकलों की पार्किंग की जाएगी। लेकिन फाजिल्का पुलिस के इस नए फार्मूले से दुकानों पर ग्राहकों की संख्या कम होने पर दुकानदारों द्वारा इसे बंद करने की मांग की गई थी, जिसको पुलिस प्रशासन द्वारा ना मानने पर फाजिल्का व्यापार मंडल द्वारा पूरा शहर बंद कर दिया गया। फिर भी पुलिस द्वारा इसे जबरदस्ती फाजिल्का के लोगों पर थोपे जाने के विरोध में फाजिल्का शहरवासियों ने दूसरे दिन भी पूर्ण तौर पर हड़ताल कर धरना प्रदर्शन किया। वहीं इस समय प्रदर्शन कर रहे दुकानदारों का कहना है कि इससे पहले भी कई अधिकारी इस जिले में रह चुके हैं, लेकिन इस तरह का कोई भी कानून आज तक किसी अधिकारी द्वारा उन पर नहीं थोपा गया, लेकिन इस एसएसपी साहब द्वारा जबरदस्ती ये ऑड इवन शुरू कर दुकानदारों को नजायज तौर पर तंग परेशान किया जा रहा है। फाजिल्का से जाट टीवी न्यूज के लिए रंजीत सिंह की रिपोर्ट। एसपीडी साहब ने बुलाया सी, जदों सिटी के सामने बाहर धरना दिता सी, इन्होंने एक रात को परचा कटिया सी और असी गिरफ्तारी देने वास्ते सारा शहर गया। उस तो बाद उन्होंने अंदर बुलाया, उन्होंने मैं सब तो पहला तो यह कहा कि अभी रात नहीं थोड़ा परचा कैंसिल कर, और उन्होंने कहा सानू 2 घंटे का टाइम दो और असी जोड़ा है इनका मसला हल खत्म करके बिल्कुल इन खत्म कर दो। अज तक साडे शहर दे विच इस तरह कोई भी अफसर नहीं आया जिन्हें सानू इन्हां नजायज तंग किया हो। असी अज सारे व्यापारी आपके व्यापार मंडल के नाल सारे भाई साडे इकट्ठे होए ने, असी पूरा शहर की साडा पूरा जिला असी बंद कर देंगे जब तक साडा ए ओडीवन फैसला वापस ना लिया जाए। जिस तरह की दूजा दिन अज हड़ताल, अज साडा दूजा दिन हड़ताल है, जो साडियां मंगा अज तक ना मनिया गईयां, असी पूरा जिला जब तक साडा ओडीवन फैसला वापस नहीं लिया जाएगा असी पूरा जिला बंद कर देंगे। जेकर एसएसपी साहब लोगों को बोलते हुए देख के कह रहे हैं दुकाना खोलो तो व्यापारी भरा किसी ने दुकान नहीं खोली, ये साड़ी एकता का विश्वास है, साडे व्यापार मंडल का विश्वास है, सबूत है, साड़ी एकता का सबूत है। एसएसपी फुला दे के भी नहीं दुकाना खुला सके, एसएसपी रैंक वर्ग चाहिए ही नहीं भी लोग दुकाना जाके मिन्नत करो जी दुकाना खोलो।